की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चांदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि जंगलों में कई समय से अवैध रूप से काम किया जा रहा है, जिसकी छानबीन के बाद दतिया इलाके में चल रही तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके पर पुलिस ने करीब 2 दर्जन तमंचे और कई तरह के उपकरण बरामद किए हैं। चांदपुर थाना प्रभारी और स्वाट टीम ने मिल करके ज्वाइंट रूप से एक असलाह बनाने की फैक्ट्री पकड़ा है, जिसमें से लगभग 1 दर्जन 315 बोर के तमंचे, 1 बंदूक और आधे दर्जन अजवने, जिसमें नाल एवं अन्य उपकरण बरामद हुए हैं, गैस कटर, भट्टी आदि। ये दतियाना जंगल के पास में जो हस्तिनापुर ब्रिज है उसके खादर में ये बनाने का कार्य करते थे। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इनका कहना है कि ये मांग इसकी बढ़ेगी, 5,000 से 10,000 के रुपये में इसकी बिक्री होगी। इनको पकड़ा गया है, इसमें से एक अभियुक्त खेम सिंह पहले भी जेल जा चुका है। इनका गैंग का पंजीकरण होगा, अभी इन्होंने विक्रय नहीं किया था, प्रारंभिक अवस्था में ही इनको गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि किस तरह से चांदपुर पुलिस और स्क्वाड टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत चुनावों में मोटा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से तमंचा बनाने का काम जोर शोर से किया जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। KPTV भारत के लिए बिजनौर से KP सिंह की रिपोर्ट।